फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ जिसके अंदर 65,000 रुपीज़ थे। और जैसे ही मैंने इस टॉपिक की वीडियो बना के यूट्यूब पे पोस्ट कर दी, लोगों बहुत लोगों ने जीमेल किया कि भाई मेरा 1 लाख फ्रीज पड़ा है, मेरा 2 लाख फ्रीज है, मेरा 5 लाख फ्रीज है। और सबका एक ही क्वेश्चन था कि भाई इस अकाउंट को अनफ्रीज कैसे कराना है। फ्रेंड्स, अकाउंट को अनफ्रीज कराने से पहले आप ये समझो कि अकाउंट फ्रीज होता है क्यों है। इसके दो रीज़न है। फर्स्ट वन, कि किसी बंदे के साथ फ्रॉड हुआ, वो साइबर सेल गया, उसने कंप्लेन फाइल की और वो फ्रॉड के पैसे आपके अकाउंट में आए, इसके लिए आपका अकाउंट फ्रीज हुआ। बट रीज़न नंबर टू, ये साइबर पुलिस वाले खुद जानबूझ के पैसे कमाने के लिए आपका अकाउंट फ्रीज करा रहे हैं। देखो फ्रेंड्स, थोड़े बहुत कंप्लेंस तो जेन्युइन है, हाँ सच में फ्रॉड हुए, बट मैक्सिमम P2P में कंप्लेंस जो भी साइबर सेल से आई है, जो साइबर सेल अकाउंट फ्रीज किए, ये खुद जानबूझ के किए गए, इट्स होल प्लान। फ्रेंड्स, ये साइबर सेल वाले हमसे पहले खुद USDT बाय करेंगे एंड देन वही मर्चेंट्स के आगे कंप्लेन फाइल कर देंगे कि इसने मेरे साथ फ्रॉड किया है। फ्रेंड्स, दो दिन पुरानी बात है, एक बंदा मुझे मैसेज करता है और बोलता है कि भाई मेरा 1 लाख रुपीज़ फ्रीज हुआ। तो मैं पूछा, बैंक से जाओ डिटेल्स लो। वो बोलता है, भाई मैंने डिटेल्स ली, मालूम पड़ा कि कंप्लेन गुजरात से, और जिसने कंप्लेन की है उस लड़की के 20 लाख रुपीज़ का स्कैम हो गया। फ्रेंड्स, मैं खुद सोच में पड़ गया, भाई 20 लाख का कैसे स्कैम हो सकता है किसी इंसान का? क्योंकि अगर आप कुछ ऑनलाइन बाय करते हो तो आप कितने का बाय करोगे? 1 लाख, 2 लाख। एक आईफोन कितने का आता है? 1 से 1.5 लाख का आता है। अगर आप लैपटॉप बाय करते हो कितने का आता है? 1 लाख का। कोई 20 लाख कैसे अपने डायरेक्ट ऑनलाइन किसी को दे सकता है? मतलब इस बात को आप समझ के देखो एक बार। अगर आप ऑनलाइन कुछ बाय कर रहे हो तो आप कहाँ से करोगे? अमेजोन, फ्लिपकार्ट, टेलीग्राम से कोई कौन 20 लाख की बाइंग करता है? वो लड़की ने और साइबर सेल मिलके सारे P2P को ही चूतिया बना दिया। ये पुलिस वाले ही चोर है, यही अपने का स्कैम कर रहे, रियल में फ्रॉड ज़्यादा नहीं हो रहे, ये पुलिस वाले जानबूझ के पैसा कमाने के लिए अपना अकाउंट फ्रीज करा रहे हैं। फ्रेंड्स, एक और इम्पोर्टेंट चीज़, आपने चीज़ नोटिस किया रहेगा, आप जब भी अपना कंप्लेन वापस लेने साइबर सेल जाते हो ना, आप सारे प्रूफ दिखा दो कि सर मैंने बाइनेंस पे ट्रेड किया, मैंने वहाँ से मेरे अकाउंट में पैसे लिए। फिर भी वो पुलिस वाला क्या पता बोलेगा, आपको उनके पैसे वापस कराने पड़ेंगे। भाई उसने टेलीग्राम पे कुछ और बाय किया, उसने लैपटॉप बाय किया, फ़ोन बाय किया, वहाँ पे उसने अपने पैसे बर्बाद कर दिए। और पैसे आपके अकाउंट में जब आए, आपने दिखा है USDT बाय करने से आए, फिर भी बोलेंगे आपको पैसे वापस करने पड़ेंगे। ये पुलिस वाले ही चोर है, ये पुलिस वाले ही स्कैम के अंदर शामिल है, और वो लड़की भी, वो तो स्कैमर है ही। तो इसलिए फ्रेंड्स, तुम्हें सबसे बेस्ट सोल्यूशन बता रहा हूँ, तुम्हें जिस स्टेट से कंप्लेन आई है उस स्टेट का एक लॉयर पकड़ो और उस लॉयर के साथ जाओ। वो लॉयर सिर्फ 5 to 10,000 रुपीज़ लेगा, बट ये गारंटी है तुम्हारा 1 से 2 घंटे में कंप्लेन वापस की जाएगी। और दूसरी चीज़, तुम्हारे जो पैसे फ्रीज पड़े वो पैसे आपको ही मिलेंगे, अनफ्रीज हो जाएंगे, आपको किसी और को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। लॉयर प्रॉपरली केस हैंडल कर लेगा, आपके 1 लाख या 2 लाख अनफ्रीज होके आपके अकाउंट में फटाक से आ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। बट अकेले गए शाणा बनने 5,000 बचाने के चक्कर में, वो तो पैसे जाएंगे जो फ्रीज है वापस करने पड़ेंगे, प्लस आपको अंदर कर देंगे वो, डरा धमका के आपसे और पैसे लूटे जाएंगे। लॉयर के बिना किसी और स्टेट के साइबर सेल मत जाना, लॉयर सिर्फ 5 to 10,000 रुपीज़ ही लेगा। सोल्यूशन नंबर टू, मैं देख रहा हूँ कई लोग बहुत ज़्यादा शाणे बन रहे, जैसे कि उन लोग क्या कर रहे हैं ना, अकाउंट नंबर 1 में पैसा ले रहे, फिर वहाँ से अकाउंट नंबर 2 में शिफ्ट कर रहे, और फिर वहाँ से अपने मेन अकाउंट में पैसा डाल रहे, मतलब पैसा घुमा रहे। अबे साले मारे जाओगे, लाइन से तीनों अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे, क्योंकि साइबर सेल चेन में जितना अकाउंट में पैसा गया ना, सारा फ्रीज करता है। तुम्हें पता नहीं है, किसी और की बात मत सुनो, मैं बता रहा हूँ ये करेक्ट सोल्यूशन है। इसके लिए सोल्यूशन है, अकाउंट नंबर 1 में पैसा लो, वहाँ से कैश आउट कराओ, ठीक है, वो कैश आउट कराने के बाद उसको मेन अकाउंट में डिपॉजिट कर दो, यही सबसे बेस्ट सोल्यूशन है। और सोल्यूशन नंबर 3, तुम जिससे भी पैसे ले रहे हो ना, उस बंदे के साथ उससे आधार कार्ड मांगो और उसका वीडियो KYC कराओ, मतलब उसको वीडियो कॉल करो, बोलो उठाओ वरना मैं USDT रिलीज करूँगा ही नहीं। तो वो सबसे बेस्ट सोल्यूशन होगा, जिससे तुम्हारा अकाउंट चांस कम है कि फ्रीज हो सके। और फोर्थ सोल्यूशन, सबसे पहले इस बात को समझो कि अकाउंट 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है सेविंग अकाउंट। तो करंट अकाउंट में सिर्फ पैसे की लीन लगती है, मतलब अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ पड़ा है ना और लीन लगी है 10,000 की, तो बाकी 90,000 यूज़ कर सकते हो। बट सेविंग अकाउंट में पूरा अकाउंट ही फ्रीज होता है। अगर आपके ऊपर 100 रुपये की कंप्लेन है, 100 रुपीज़ की कंप्लेन भी आ गई ना, और अकाउंट में आपके 1 लाख रुपीज़ पड़े, आपके 1 लाख पूरे फ्रीज हो जाएंगे, आप उन 1 लाख को यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके लिए ट्राई करो कि P2P से जब भी पैसे विड्रॉल लेते हो तो एक नॉर्मल करंट अकाउंट बना ही लो, एक सिंपल सा करंट अकाउंट बन जाता है किसी भी बैंक में। तो फ्रेंड्स, ये 4 सोल्यूशन अच्छे से याद रखना, साइबर सेल जाओ, सेकंड वन इज़ पैसे विड्रॉल करके कैश में डिपॉजिट करो मेन अकाउंट में, थर्ड वन इज़ आधार कार्ड लो और वीडियो KYC कराओ,
और फोर्थ वन इज करंट अकाउंट ट्राई करो ओपन करने का। और फ्रेंड्स अगर आपके पास इस टॉपिक के ऊपर और ज़्यादा नॉलेज है तो कमेंट में मुझे बता सकते हो या फिर आप मेरे को जीमेल भी कर सकते हो मेरे जीमेल आईडी के ऊपर। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर नई और इनोवेटिव जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।